स्वागत है आपका पाठशाला में। भाई लंबा लंबा वीडियो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हो, तो भाई ये तुम्हारे लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। एकदम सीधी बात करेंगे, नो बकवास, फॉक के माफिक। चलो फिर शुरू करते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेक्स मतलब लिंग, जिसमें लिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब लिंग हो या ना हो, लेकिन हम लोग बच्चे बना सकते हैं। हम लोग मतलब ये जो भी तरीके से हो सकता है, इन तरीके से बच्चे बन सकता है। तो पहला आता है फिजन, ठीक है। पहला कौन आता है? फिजन। फिजन दो तरह का, एक बाइनरी और एक मल्टीपल फिजन। उसके बाद आता है जाके बर्डिंग, बराबर। उसके बाद आता है रीजनरेशन, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन और एक स्पोर फॉर्मेशन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी दो तरह का है, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। चलो अब आगे देखते हैं, एक क्या है, डिफरेंट वे है। इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हम मतलब जो भी चीजें इस तरह करते हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले। चलो तो फटाफट भाई एकदम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पहला आता है फिजन। फिजन मतलब टूटना। फिजन मतलब क्या हो गया अपना, टूटना। फिजन हो जाता है अपना टूटना, बराबर। अभी टूटने के दो तरीके हो सकते हैं, टूटने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो भाई सीरियसली टूट लो, बाइनरी फिजन। दूसरा हो सकता है बहुत अपने आप को बार बार तोड़ लो। आया बात समझ में? अब देखो जो बाइनरी फिजन होता है उसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन में एक इंडिविजुअल सेपरेटली ब्रेक होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात तुम याद रखोगे वो है कि इसमें न्यूक्लियस का ब्रेक होता है। इसमें क्या ब्रेक होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ब्रेक होकर क्या बन जाते हैं, दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इस तरह जो भी चीजें करते हैं उनको, इस तरह जो भी प्रोड्यूस करते हैं ना अपने ऑफस्प्रिंग को, उनको हम कौन सा मेथड से प्रोड्यूशन बोलेंगे, बाइनरी फिजन। अब दूसरा आता है हमारे पास मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, ये शीशे के माफिक टूट के बहुत सारे टुकड़े में बिखर जाते हैं। दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे टुकड़े में बिखर गए और उसके बाद फट के बाहर आ जाता है। ये क्या हो गया, मल्टीपल फिजन। यहाँ पे कंटेंट लिखा है, आप आराम से रीड करोगे, समझ आ जाएगा। आओ नेक्स्ट देखते हैं बर्डिंग। बर्डिंग मतलब क्या होता है, समझ लो कि फोड़ा बनाना। क्या बनाना, फोड़ा बनाना। अपने बदन में ये जस्ट एक फोड़ा माफिक बनाएगा, दिख रहा है ना, फोड़े के माफिक बनाएगा और वो टूट के बाहर निकल जाएगा। अब देखो इसमें लिखा है आउटग्रोथ। आउटग्रोथ मतलब वो फोड़ा बनना। इसमें देखो ये है क्या है, ये है जाके पेरेंट, बराबर। पेरेंट के बदन में क्या हुआ, एक फोड़े माफिक बन गया। ये फोड़ा बनने के बाद क्या होगा, फोड़ा बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद सेपरेट हो जाएगा। आया बात समझ में? ये जो फोड़ा बनता है ना, इस फोड़े को हम बोलने वाले हैं बर्ड। क्या बोलने वाले हैं, बर्ड। तो इसलिए इसको बोल दिया गया बर्डिंग। यहाँ पे जो बर्डिंग का जो दो मतलब प्रीडोमिनेंट एग्जाम्पल बुक में उठाया गया है एनसीईआरटी में, तो पहला वाला है हाइड्रा। पहला कौन है, हाइड्रा। उसके बाद उठाया गया किसको, ईस्ट को उठाया गया। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? चलो बर्डिंग का बात खत्म, आओ आगे बढ़ते। अब देखते रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन में क्या होता है, एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। मैंने लिखा है यहाँ पे एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। मतलब समझ लो कि ये प्लानेरिया क्या हुआ, घूमने निकला अपने एक्स के साथ, मतलब बातचीत करने गया। क्या हुआ, उसके एक्स ने इसको दांव मार दिया, छुरी मार दी, बेचारा कट के दो टुकड़े में पिघल गया, मतलब दो टुकड़े में बन गया ना। अब वो क्या करेगा, अपना जो दो टुकड़ा है ना, इन दो टुकड़े में से अपने आप को दोबारा बना लेगा। आया बात समझ में? अपने आप को दोबारा इन दो टुकड़े में से बना लेगा। ये जो चीज होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। मतलब अगर आप कहीं कट उड़ जाते हो तो अपने आप को तुम वहां से दोबारा बना सकते हो। अब रीजनरेशन कौन कौन कर सकता है, एक है जाके प्लानेरिया, उसके बाद हाइड्रा भी अगर कट जाए, थोड़ी देर पहले जो देखा था ना हमने हाइड्रा ओ हरा वाला, वो भी अगर कट जाए तो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया स्टारफिश, दिख रहा है ना, बेचारे का एक हाथ टूट गया था, उसके बाद उसने एक हाथ से अपने आप को फिर से दोबारा बना लिया। आप याद रखोगे रीजनरेशन एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। अब आता है फ्रेगमेंटेशन। अब भाई फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये देखो ये स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा तो पता है ना आपको, काई माफिक होता है। अब क्या हो गया, मैच्योर हो गया, समझ रहे हो ना, बच्चा बड़ा हो गया है भाई। ये जब मैच्योर हो चुका है तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई मैं अपने आपको तोड़ रहा हूं। ये क्या करेगा, अपने आपको तोड़ लेगा। तोड़ के दिख रहा है ना, तोड़ के अपने आपको दो नया बना लेगा, दिख रहा है ना, दो न्यू इंडिविजुअल अपने आपको बना लेंगे। ये क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। अब कभी कभी पूछता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है, तो आप भाई एकदम क्लियरली बोल देना, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मैच्योरिटी के बाद होता है। आया समझ में? जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब एकदम मैच्योर हो जाएगा तब ये अपने आपको तोड़ने वाला है। लेकिन हमने जो थोड़ा देर पहले जो पढ़ा था रीजनरेशन, ये क्या है, एक्सीडेंटल प्रोसेस है। कहीं घूमने उमने निकला, कट उठ गया, तो तब अपने आपको वो दोबारा बना लेगा। यहां तक बातें क्लियर है? आओ अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बचा है वो है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या है, तो पहले आप देख लो, इस ए भी एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या बनाते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स मतलब कैसा होता होगा, पाउडर माफिक। क्या होता होगा, एकदम पाउडर के माफिक। हम लोग जो मुंह में पाउडर लगाते हैं ना, वही वाला पाउडर के माफिक बनता है। तो पहले जो स्पोर बनाता है, यहाँ पे जो सबसे प्रीडोमिनेंट एग्जाम्पल है वो किसका है, राइजोपोरस का है। किसका है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये राइजोपोरस का है, ये आपका एनसीईआरटी बुक में। अब राइजोपोरस आपको कहाँ देखने मिलेगा, आपने देखा होगा कभी कभी आपके घर में ब्रेड तीन चार दिन तक ऐसे ही रह जाएगा, तो ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड में इस तरह कुछ एक फूल माफिक बन जाता है ना, फूल माफिक आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना शेड माफिक बना है ना,
एक क्या है, राइजोपोरस है, दिखेगा नहीं आपको वैसे, लेकिन इसी को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे जूम करके तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखने वाला है। उसके बाद क्या होता है, एक तरह का फंगस होता है वैसे। अब क्या करेगा ये जो फंगस है, वो क्या करेगा अपने यहाँ पे दिख रहा है ना, वो यहाँ पे बनाएगा, इसके अंदर क्या बनाएगा अपने स्पोर्स बनाएगा, पाउडर माफिक बनेगा, आया समझ में। और जब ये पाउडर एकदम प्रिपेयर हो जाएगा तब ये क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होकर बाहर निकल जाएगा। खाली राइजोपोरस ही नहीं, ये सब भी बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं, आपने देखा होगा फर्न वगैरह, ठीक है। ये फर्न है, ये भी क्या करता है आपका स्पोर फॉर्मेशन करता है। क्या यहां तक बातें क्लियर है, यहाँ पे कंटेंट दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। अब आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। अब देखना ये होता है बेसिकली, ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये कंप्लीटली किसके लिए बताया गया है, प्लांट्स के लिए बताया गया है, ठीक है, ओनली फॉर प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स को लगाने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप सीड से तो लगाते ही हो ना, इसीलिए प्लांट्स का हमें सेक्सुअल भी पढ़ना है, असेक्सुअल भी पढ़ना है। तो ये क्या हो गया, सारे असेक्सुअल तरीके से हो गए। मतलब क्या है, सेक्स का इन्वॉल्वमेंट का जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर ही हो, आप काट के वो काट उठ के गाड़ दो पेड़ बन जाएगा। अब देखो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्या है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, आया बात समझ में। अब इसमें एक होता है नेचुरल, नेचुरली मतलब आप सिंपली ऐसे ही निकाल के गाड़ दोगे आपका पेड़ बन जाएगा। तो नेचुरली किस किस से बताया गया, रूट है, स्टेम है और लीव्स है। अब देखो रूट का जो एग्जांपल है ये मैंने उठाया, ये देखो आप एक चीज याद रखना, ये होता है आपका स्वीट पोटैटो। क्या होता है आपका, स्वीट पोटैटो, याद रखना आपका स्वीट पोटैटो एक रूट है, क्या है, एक रूट है, डन। वही मैं अगर अपना सिंपल पोटैटो बोलूं ना, सिंपल पोटैटो जो हम खाते हैं ना, वो वाला क्या है, खाते तो वायदे में दोनों है, इसको थोड़ा ज्यादा ही खा लेते हैं पोटैटो सिंपल वाला। तो ये वाला जो पोटैटो है आपका स्टेम है, क्या है, एक स्टेम है, डन। और लीव का तो आपको पता ही है, वन एंड ओनली ब्रायोफाइलम, आया बात समझ में। तो ये है नेचुरल तरीके से, मतलब आप आलू को काट के गाड़ दो तो आलू से नया आलू बनाएगा, मतलब नया आलू से बड़ वगैरह निकलेगा उसमें से नया आलू बन जाएगा। ये जो अपना कॉमन आलू है ये कौन सा हो गया, स्टेम का एग्जांपल। फिर अपना हो गया स्वीट पोटैटो शकरकंदी, वो क्या हो गया अपना रूट वाला एग्जांपल। और एक हो गया ब्रायोफाइलम, वो क्या हो गया अपना लीव वाला एग्जांपल। तो यहाँ पे कुछ मैंने उठा के दे दिए, तीन एग्जांपल मोर देन एनफ है, एक इसके लिए नेचुरल आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। अब जो उसके बाद बचता है वो है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब आप जोर जबरदस्ती उसको काट के बनाने वाले हो, डन। तो पहला होता है कटिंग, क्या होता है कटिंग। कटिंग दो तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है भाई आप स्टेम काट दो, एक कटिंग क्या हो सकता है, स्टेम कटिंग हो सकता है, आया समझ में ना। स्टेम मतलब आप देखो इस तरह टुकड़ा टुकड़ा काटो, ये गन्ने का टुकड़ा है, ठीक है, आपने गन्ने का टुकड़े को काटा उसको गाड़ा उससे क्या बन गया पेड़, ये कौन सा कटिंग हो गया आपका, स्टेम कटिंग। दूसरा हो सकता है लीफ कटिंग, क्या हो सकता है, लीफ कटिंग, इसमें आप क्या काट देते हो, पत्ती काट के बना लेते हो, आया बात समझ में। तो ये हो गया एक एग्जांपल, उसके बाद ये हो गया कटिंग का एग्जांपल। फिर हो सकता है लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में हम क्या करते हैं, हम देखो एक पेड़ का डाली है ना, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दिया। अब जब मिट्टी डाल दिया तो यहां से रूट निकल आएगा, आया बात समझ में, यहां से क्या निकल आएगा, रूट निकल आएगा। तो ये हो गया लेयरिंग का टेक्निक। अब लेयरिंग दो तरह का है, एक तो है सिंपल लेयरिंग, यहां लिख के रखा है मैंने सिंपल लेयरिंग, दूसरा होता है जाके आपका एयर लेयरिंग। क्या होता है, एयर मतलब हवा वाला लेयरिंग होता है। अब हवा वाला लेयरिंग का मैंने आप एग्जांपल दे दिया, ये नींबू पेड़ है, ऐसे भी मैं खेतों में काम करता हूँ थोड़ा बहुत, तो ये नींबू पेड़ है, नींबू पेड़ के ऊपर क्या कर दिया हमने, इस तरह कुछ मिट्टी उट्टी बांध के रख दिया, तो इसमें से क्या निकल आएगा, इसमें से कुछ दिन बाद रूट निकल आएगा, उसके बाद इसको काटो, काट के गाड़ दो। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का हमने दो तकनीक कर लिया, एक तो है कटिंग, कटिंग कितने तरह का हो सकता है, स्टेम कटिंग या फिर लीफ कटिंग, दूसरा हो गया लेयरिंग, लेयरिंग मतलब पेड़ के ऊपर मिट्टी डालो, मिट्टी डालने के बाद वहां से क्या निकल आएगा, रूट निकल आएगा, फिर उसको काटो, काट के गाड़ दो। लेयरिंग में हमने दो तरह का देखा, एक सिंपल लेयरिंग और एक देख लिया हमने एयर लेयरिंग। अब एक बचता है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या बोला है, ये तो आप देख के समझ गए होगे, ये क्या हो गया, आपने पेड़ को काट लिया, क्या कर दिया आपने, देखो पेड़ को काट लिया, देखा पेड़ कटा ना, इसके ऊपर ये जो स्टॉक होता है ना, ये मान लो इस पेड़ का स्टॉक है, आया समझ में। स्टॉक मान लो आप मैंगो पेड़ का है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बट समझ लो स्टॉक किसका है, मैंगो पेड़ का। तो आपने क्या किया, मैंगो पेड़ को काटा, आपने मैंगो पेड़ को काट के उसके अंदर सिक्योन क्या बैठा दिया आपने, गोवा पेड़ का, गोवा मतलब अमरूद पेड़ का आपने सिक्योन बैठा दिया। तो अब क्या हो जाएगा, अभी पेड़ आपका आम पेड़ नहीं रहेगा, इसके ऊपर में शूट का पार्ट क्या हो गया, गोवा पेड़ का है, तो इसमें आपका गोवा आने लगेगा। ये जो टेक्निक है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अब ग्राफ्टिंग करने का दो तरीका है, एक तो हो सकता है आप ऐसे तिरछी कोनो, तिरछी कोना मतलब कोना काट लो, उसके ऊपर दूसरा पेड़ को डाल दो, और एक टेक्निक हो सकता है कि आप ऐसी स्लाइडली काट लो, दिख रहा है ना, स्लैश काट लो, उसके बाद दोनों को करके पट्टी मार दो। इसमें सबसे बढ़िया टेक्निक यही वाला है, मैंने खुद भी इसको प्रैक्टिकली किया है, ये सबसे बढ़िया है। इसमें क्या होता है ना, इसमें बन नहीं पाता है, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन होता नहीं है, तो ये बढ़िया टेक्निक है, इसे क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो भाई कैसा लगा ये बताओ वीडियो, एकदम वन शॉट सिंपल एंड स्वीट, नो बकवास। अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब बराबर करना, भूलना नहीं, ठीक है, ओके। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।